हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। इन दिस वीडियो लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी कन्वर्ट वन काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू अंदर काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। समटाइम्स इट कैन ऑल्सो हैपन दैट वी कैन क्रिएट न्यू काइंड ऑफ सर्किट जस्ट यूजिंग दीज फ्लिप फ्लॉप्स। जैसे हमने पहले चेक किया था कॉम्बिनेशन सर्किट में, आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन सर्किट्स है। यू हैव मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स, एडर्स, डिकोडर्स, राइट? सो मेनी सर्किट्स आर देयर। इन द सेम वे वी कैन मेक वेरियस सर्किट्स जस्ट बाय यूजिंग दिस फ्लिप फ्लॉप्स। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बट अगेन सम बेसिक्स ऑफ दैट कैन बी बिल्ट बाय दिस गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप है, देन यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम दिस करंट फ्लिप फ्लॉप, या फिर आप एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन हियर। दे आर सेइंग कन्वर्ट वन टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू अनदर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। वी वांट टू कन्वर्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप। हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप से में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड यू विल सी दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्साइटेशन टेबल। हम इससे समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल का बेनिफिट क्या है, बिकॉज अगेन दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल हियर। एक्साइटेशन का जो बेनिफिट है आपको यहाँ से समझ में आएगा, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्साइटेशन टेबल को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एस आर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रूथ टेबल है या फिर करेक्टरिस्टिक टेबल है उसको बनाओ, राइट? तो हमें डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, सो लेट मी मेक द ट्रूथ टेबल और करेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप हियर। सो इन द डी फ्लिप फ्लॉप यू हैव डी, राइट? आई होप इट इज़ विजिबल। इट इज़ नॉट दैट मच विजिबल, सो लेट मी इंक्रीज द साइज। सो वी हैव डी, देन वी हैव क्यू एन, एंड देन वी हैव क्यू एन प्लस वन। फिर आपके पास है क्यू एन प्लस वन, ओके? सो आई एम गोइंग टू यूज दिस करेक्टरिस्टिक टेबल और ट्रूथ टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। सो द वैल्यूज हियर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। नाउ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एन प्लस वन। तो डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी आप इनपुट देंगे सेम विल बी योर आउटपुट, राइट? सो दिस 0 0 1 1, यानी कि जो आपका इनपुट है सेम आपका यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट आएगा, ओके? सेकेंडली, नाउ आई गॉट द ट्रूथ टेबल और करेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। नाउ चेकआउट द एक्साइटेशन टेबल। आप सभी अपने सामने जस्ट ओपन द एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल अपनी नोटबुक पे ओपन कर लीजिए। नाउ लुक एट इन द एक्साइटेशन टेबल। सो दिस इज एस एंड दिस इज आर। जस्ट फिल इफ प्रेजेंट स्टेट इज जीरो एंड नेक्स्ट स्टेट इज ऑल्सो जीरो, वट इज द वैल्यू ऑफ एस इन दैट केस। उस समय पर एस की वैल्यू क्या थी और आर की वैल्यू क्या थी। जस्ट लुक एट द नो एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, देन यू विल आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एस वॉज जीरो and the value of R is don't care. R की जो value है वो don't care थी, okay? So I know these values because I've done lot of practice, I've solved lot of problems before. तो ये सभी जो values हैं मुझे याद हैं,
So that is why I do not really have to open the books. But again, because you are doing it for the very first time, शायद आपको चीज़ें वैल्यू याद ना हो, तो आप अपने सामने जो अपनी नोटबुक है उसको ओपन करके रखेंगे. ओके, देन वी हैव डी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी क्यू एन इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, क्यू एन जो है वो वन है और जो क्यू एन प्लस वन है वो आपके पास जीरो है. यानी कि देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू जीरो, वन से लेकर जीरो में ट्रांजिशन था एस आर में. तो कब ये कब होता है, जब आपके पास रीसेट होता है. सो दैट मीन्स एस इज जीरो एंड आर इज वन. इन द सेम वे वेन क्यू एन चेंजेस फ्रॉम जीरो टू वन, ये कब होता है, जब वेन देयर इज अ सेट. तो सेट जब होगा तो यहाँ पर एस की वैल्यू वन होगी और आर की वैल्यू जीरो होगी. एंड देन वी हैव वन टू वन, वन टू वन देयर इज नो चेंज. सो दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन वेन बोथ एस एंड आर बोथ आर जीरो, राइट. सो उस केस में अगर आपको याद होगा, जो आपकी जो एक्साइटेशन टेबल है वहाँ पर अगर आपको याद होगा, द वैल्यू ऑफ एस वॉज डोंट केयर एंड देन द वैल्यू ऑफ आर इज जीरो. एस की वैल्यू जो है वो डोंट केयर थी और आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर जीरो थी. नाउ आई गॉट दिस टेबल. सो फ्रॉम दिस टेबल मैं क्या करूँगा, ये जो एस की वैल्यूज यहाँ पर हैं इनको चेक करके मैं एस के लिए एक के मैप बनाऊँगा. आई एम गोइंग टू मेक अ के मैप फॉर आर. मैं एस के लिए एक अलग के मैप बनाऊँगा, आर के लिए एक अलग के मैप बनाऊँगा और उन के मैप्स को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा. ओके, तो एक के मैप बनाया मैंने एस के लिए. सो दिस इज फॉर एस. ओके, दिस के मैप इज़ फॉर एस. तो इस के मैप में क्या क्या वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा, व्हाट आर द वैल्यूज आई एम गोइंग टू यूज़ हियर. इस के मैप में हम लोग क्या क्या वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज़ द वैल्यू ऑफ डी एंड क्यू एन. हम यहाँ पर डी और क्यू एन की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे. ओके, सो इन दिस के मैप ऑन वन साइड आई एम गोइंग टू टेक डी एंड ऑन अदर साइड आई एम गोइंग टू टेक क्यू एन. तो यहाँ पर हम लोग डी लेंगे और यहाँ पर हम लोग लेंगे क्यू एन. ओके, सो बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग डी कॉम्प्लीमेंट एंड डी एंड हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन. तो जो एस की वैल्यू वन किस केस में है, व्हेन डी एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. डी और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट में एस की वैल्यू वन है. एंड देन डोंट केयर किस में है, जब दोनों आपके पास वन है, व्हेन बोथ ऑफ देम आर वन. सो यहाँ पर आपके पास डोंट केयर कॉम्बिनेशन है, तो आप चेक करोगे यहाँ से आपके पास एक पेयर बनेगा. ओके, इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो टेक मेक अ के मैप फॉर आर. तो मैं आर के लिए यहाँ पर के मैप बना सकता हूँ. सो इन दिस के मैप वी हैव आर, अगेन वी हैव क्यू एन. सो आफ्टर दिस आई विल गेट आर कॉम्प्लीमेंट एंड आर एंड दिस इज क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन, करेक्ट. सो और यू कैन से डी कॉम्प्लीमेंट एंड, सो नॉट आर, आई एम सॉरी, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक हियर. So this was representing your D. So it is D complement and D. So it is taking a value don't care when both are complemented form. यानी कि यहाँ पर आपके पास एक don't care condition है और यहाँ पर आपके पास है D complement Qn. तो D complement Qn जो है वो ये value है. तो again यहाँ पर आपके पास एक you know pair बनेगा, right? So this pair here it is representing D. एंड दिस पेयर हियर इज रिप्रेजेंटिंग डी कॉम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पर वो डी रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर आपके पास वो टी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि देखो ये वाला किसके लिए बनाया था हमने, एस के लिए, और ये वाला किसके लिए बनाया था, आर के लिए. दैट मीन्स इफ यू हैव एन एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये आपके पास एस आर फ्लिप फ्लॉप है, दिस इज द इनपुट एस, दिस इज द इनपुट आर, दिस इज द आउटपुट क्यू एन एंड दिस इज द आउटपुट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. सो इन एस जस्ट गिव डी, जो भी आपके पास इनपुट डी है, जैसे ये आपके पास इनपुट डी है, सो इन दिस एस आई एम गोइंग टू गिव दिस इनपुट डी एज इट इज. हम एस के अंदर इनपुट डी को एज इट इज देंगे. एंड इन आर आई एम गोइंग टू गिव क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, आई मीन डी कॉम्प्लीमेंट. सो इन आर आई एम गोइंग टू गिव दिस डी कॉम्प्लीमेंट. आर के अंदर हम डी कॉम्प्लीमेंट देंगे तो क्या होगा कि ये जो कम्प्लीट फ्लिप फ्लॉप है, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट दिस कम्प्लीट डायग्राम, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँगा, सो दिस इज नाउ रिप्रेजेंटिंग अ डी फ्लिप फ्लॉप. ये जो है ये अब एक डी फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप को कैसे बना सकते हैं जस्ट बाई यूजिंग एन एस आर फ्लिप फ्लॉप. तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यू कैन ऑल्सो सी दिस एंटायर प्रोसेस हियर. तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहले आप डी क्यू एन और क्यू एन प्लस वन के लिए यहाँ पर आप एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे. उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग एस आर की जो एक्साइटेशन टेबल है वहाँ पर जाएंगे और एक्साइटेशन टेबल से चेक करेंगे कि एस और आर की वैल्यू क्या थी जब आपका जो इनपुट डी है वो इसमें चेंज हो गया, राइट. आई मीन दिस इज डी जीरो, दिस इज क्यू एन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एस और आर की वैल्यू क्या थी. सो बेसिकली हमारे कहने का मतलब क्या है, तो अगर आप इसको याद हो तो इसका मतलब क्या है, वाई वाई एम आई इवन डूइंग इट, मैं इसको ऐसा क्यों कर रहा हूँ. देखो मैं इसको ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये आपके इनपुट थे
और ये आपका फंक्शन की जो वैल्यूज है, मतलब अगर ये आपका इनपुट था या आपकी प्रेजेंट स्टेट थी, तो उस समय पर अगर आपका नेक्स्ट स्टेट ये है तो उस समय पर एस और आर की वैल्यू क्या रही होगी। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम इस प्रेजेंट स्टेट को इस नेक्स्ट स्टेट पर कैसे लेकर, जब इस प्रेजेंट स्टेट को हम इस नेक्स्ट स्टेट पर लेकर आ रहे हैं तो उस समय पर एस और आर की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, तो जो एस और आर की वैल्यू रही होगी हम एस और आर के अंदर वही इनपुट देंगे। इसी वजह से हम लोग एक एस आर कॉम्प्लीमेंट, एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोग एक कॉम्बिनेशन सर्किट का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस, और इस पूरे डायग्राम को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो नेक्स्ट वन इज टू डिज़ाइन जे के फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम एस आर। हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप में से जे के फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर बनाना है। दिस इज़ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसको, इसके लिए सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, देन सी माई सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो, डू बाई योर सेल्फ, देन सी माई सॉल्यूशन। जो इसका सॉल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करता हूँ, तो वहाँ पर आपको आई थिंक ये प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एस आर फ्लिप फ्लॉप को जे के फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग जे के फ्लिप फ्लॉप की टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल और कैसे करेक्टरिस्टिक टेबल। तो जे के फ्लिप फ्लॉप की जो करेक्टरिस्टिक टेबल है, दिस इज जे, दिस इज के, दिस इज क्यू एन, एंड देन दिस इज प्रेजेंटिंग क्यू एन प्लस वन। ठीक है, और हम लोग कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू यूज़ एस आर। सो आई एम गोइंग टू गिव एस एंड आर हियर। सो द कॉम्बिनेशंस आर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. These are your combination. ये सभी आपके combinations हैं। Okay? Now from these combinations, अब जब आप जे के फ्लिप फ्लॉप को चेक करेंगे तो यू शुड नो कि जे के फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, राइट? फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज आई एम गोइंग टू डू दिस पार्टीशन। मैं हर बार ऐसा पार्टीशन क्यों करता हूँ, बिकॉज इसको समझना थोड़ा सा आसान है। इन दिस पार्टीशन चेकिंग आउट दीज वैल्यूज, कंपेयरिंग दीज वैल्यूज बिकम्स वेरी ईजी। तो अगर आपको जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में याद हो, तो वेन बोथ जे एंड के आर जीरो, देन क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन आर सेम। वेन जे इज जीरो एंड के इज वन, तो यहाँ पर ये हो जाता है रीसेट, यानी कि क्यू एन प्लस वन इज जीरो। When j is 1 and k is 0, that means set, तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर 1 हो जाएंगे। And when both of them are 1, then it is going to perform a complementation operation. तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, 0, 1, same. यहाँ पर क्या रहेगा, this is k is 1, so it is 0, 0, यानी कि reset. यहाँ पर क्या रहेगा, it is 1, 1, यानी कि set. और यहाँ पर क्या रहेगा, इसका complement, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 0. तो ये आपके पास यहाँ पर रहेगा. Okay? Now, by looking at this, इसको देखने के बाद, इसको देखने के बाद अब हमें क्या देखना है, वी हैव टू चेक द वैल्यूज ऑफ एस एंड बार। तो हमें देखना है कि एस आर की जो एक्साइटेशन टेबल है, हम उस एक्साइटेशन टेबल को चेक करेंगे और देखेंगे उस एक्साइटेशन टेबल से कि एस और आर की वैल्यूज क्या रही होगी। तो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, दिस इज क्यू एन एंड दिस इज क्यू एन प्लस वन। हम एक्साइटेशन टेबल, प्लीज़ ओपन द एक्साइटेशन टेबल इन फ्रंट ऑफ यू इन योर नोटबुक्स एंड चेक, अगर क्यू एन भी जीरो था और क्यू एन प्लस वन भी जीरो था तो उसमें एस और आर की वैल्यूज क्या थी एस आर फ्लिप फ्लॉप में। तो दिस इज जीरो एंड डोंट केयर। इन द सेम वे इफ क्यू एन इज वन, अगर क्यू एन की वैल्यू वन है और क्यू एन प्लस वन की भी वैल्यू वन है, सो इस केस में हमारे पास था डोंट केयर एंड जीरो। अगर आपके पास क्यू एन की वैल्यू जीरो है और क्यू एन प्लस वन भी आपके पास जीरो है, तो यहाँ पर था जीरो एंड डोंट केयर। अगर आपके पास क्यू एन वन है और क्यू एन प्लस वन जीरो है, तो यहाँ पर था आपके पास जीरो वन, करेक्ट? इन द सेम वे जीरो से लेकर वन में चेंज हुआ, राइट? सो इट इज वन जीरो, वन से लेकर वन में रहा, यानी कि देर इज नो चेंज। सो यहाँ पर एस की वैल्यू थी डोंट केयर एंड आर वॉज जीरो, ठीक है? और अगर आपके पास क्यू एन जीरो था और क्यू एन प्लस वन आपके पास वन है, यानी कि सेट हो गया, तो यानी कि एस इज वन आर इज जीरो। एस की वैल्यू वन थी और आर की जीरो थी, और यहाँ पर क्यू एन वन था और क्यू एन प्लस वन जीरो था, तो इस केस में क्या हुआ कि वन से जीरो में चेंज हुआ, यानी कि वन से रीसेट हुआ, तो रीसेट में आपके पास था जीरो वन। सो यू कैन मेक दिस। आफ्टर मेकिंग दिस, अब आपका सेकेंड स्टेप क्या है, आई एम गोइंग टू मेक अ के मैप फॉर एस, आई एम गोइंग टू मेक अ के मैप फॉर आर। मैं एस के लिए भी के मैप बनाऊंगा और आर के लिए भी। सो द फर्स्ट के मैप आई एम मेकिंग फॉर एस, दिस इज अ के मैप फॉर एस, एंड द सेकेंड के मैप आई एम गोइंग टू मेक फॉर आर, दिस इज द के मैप फॉर आर। ओके, एंड व्हाट विल द इनपुट, इनपुट्स आर जे के एंड क्यू एन। जे के और जो क्यू एन है वो आपके इनपुट रहेंगे।
So I'm going to give J here and K Qn here. Here also J here and K Qn here, right? So this is J complement NJ. This is K complement Qn complement. K complement Qn. This is K Qn and K Qn complement. यहाँ पर this is J complement and J. This is K complement and Qn complement. K complement Qn. K Qn and this is K Qn complement. Right? तो ये आपके पास यहाँ पर values रहेंगी. Now you can check कि आपके पास जो S है, S कहाँ कहाँ पर values 1 assume कर रहा है. What are the locations where S is assuming a value 1? So S is having a value 1 here. तो ये कौन सी location है? 0, 1, 2, 3, 4. यानी कि 4th location पर, right? So which is 0, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 है. इन द सेम वे इट इज टेकिंग अ वैल्यू 1 एट द लोकेशन 6. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 6 पर इसकी वैल्यू 1 है. एंड इट इज टेकिंग डोंट केयर कंडीशन इन टू प्लेसेस. दो प्लेसेस में आपके पास डोंट केयर कंडीशन है. दिस इज द फर्स्ट डोंट केयर कंडीशन, दिस इज द सेकंड डोंट केयर कंडीशन. इन द सेम वे आप आर के लिए चेक करिए. सो आर इज टेकिंग अ वैल्यू 1 एट द लोकेशन 7 एज वेल एज इट इज ऑल्सो टेकिंग अ वैल्यू 1 एट द लोकेशन 3. तो 7 और 3 में 1 है. सो दिस इज 7 एंड दिस इज 3. And it is having a don't care condition at the location 0 as well as at the location 2. So 0 par aapke paas don't care condition hai. So that means here as well as at the location 3. So at the location 2, it is having a don't care condition. So yahan par iski don't care conditions hai. So by looking at these two K-maps, aap dekh sakte hain ki yahan par subcube kya banenge. So this will be one subcube as well as this will be another subcube. Yeh aapka dusra subcube banega, right? So this subcube here, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग जे. यानी कि एस के अंदर जो भी आपके पास जे आ रहा है, गिव दैट सेम एज इनपुट टू एस. ठीक है, तो यहाँ से लेकिन आप चेक करेंगे बिकॉज इट इज़ यू नो थ्री वेरिएबल के मैप. तो यहाँ पर आपके पास क्यू एन की भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही. सो इट इज़ क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, राइट? एंड हियर इट इज़ के क्यू एन, करेक्ट? सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट, राइट? सो इस तरीके से आप इस के मैप को बना सकते हैं. नाउ व्हाट इट रियली मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो ये आपके पास एक जे के फ्लिप फ्लॉप है. दिस इज इनपुट, आई मीन एस आर फ्लिप फ्लॉप. दिस इनपुट एस, दिस इज इनपुट आर, दिस इज क्यू एन एंड दिस इज क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो आपको करना ये है कि अगर आपके पास जो इनपुट एस है वहाँ पर आप जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट देंगे, यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है वो इनपुट एस के साथ जाएगी जे के लिए, और ये जो क्यू एन, ये वाली जो वैल्यू है क्यू एन की, ये जाएगी इनपुट आर के साथ. आई मीन टू से द डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है इसको हम इनपुट देंगे जे के साथ. सो दैट इज़ जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. और यहाँ पर जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है इसको हम इनपुट देंगे के साथ, यानी कि के क्यू एन. ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि इस तरीके से आप इसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड यू कैन ईजी यू नो चेंज एन एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जे के फ्लिप फ्लॉप. इस तरीके से आप एस आर को जे के में भी चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ योर वर्क. आपको ये करना है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करना है. डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई एक्सप्लेन क्यू कि इसको हम कैसे कर सकते हैं. ओके, अगेन लेट अस लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एन एस आर फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप. हम यहाँ पर एक एस आर फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो आई एम गोइंग टू टेक दीज थ्री एग्जाम्पल्स ओनली, और बाकी जो कन्वर्जन्स है कुछ कन्वर्जन्स को मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, ताकि हम लोग कुछ टाइम भी सेव कर सकें. तो यहाँ पर क्या है आपके पास, वी वांट टू कन्वर्ट एन एस आर फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप. सो वी हैव टी, दिस इज क्यू एन एंड दिस इज क्यू एन प्लस वन. सो जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन. सो इफ यू रिमेंबर टी फ्लिप फ्लॉप, तो अगर टी की वैल्यू वन है, सो इन दैट केस वी डू टॉगल. और टी की वैल्यू जीरो है, देन वी डू नॉट डू एनीथिंग, राइट? सो इफ टी इज जीरो, सो क्यू एन प्लस वन इज ऑल्सो सेम, विच इज सेम एज क्यू एन. अगर टी की वैल्यू वन है, इन दैट केस वी डू टॉगल. सो जीरो को वन में चेंज करेंगे और वन को जीरो में चेंज करेंगे. एंड वॉन्ट यूज एस आर फ्लिप फ्लॉप. सो आई एम गोइंग टू मेक एस हियर, आई एम गोइंग टू मेक आर हियर. सो जस्ट रिमेंबर कि अगर हमें क्यू एन को क्यू एन प्लस वन में चेंज करना था, तो उस समय पर एस की वैल्यू क्या रही थी. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, राइट? तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, जीरो, डोंट केयर. और जब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन दोनों वन वन है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास डोंट केयर एंड जीरो. व्हेन इट चेंज फ्रॉम जीरो टू वन, जीरो से लेकर वन में अगर चेंज हुआ, तो यानी कि सेट हुआ वन जीरो. एंड व्हेन अगेन चेंज फ्रॉम वन टू जीरो, यानी कि रीसेट हुआ, यानी कि जीरो वन. सो अगेन अब हम लोग एस के लिए वी आर गोइंग टू मेक अ के मैप. सो दिस अ के मैप फॉर एस.
ये एस के लिए के मैप है एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द के मैप फॉर आर, ये कुछ आर के लिए के मैप है राइट. एंड हियर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट टी, दिस इज क्यू एन, एंड अगेन हियर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट टी एंड दिस इज क्यू एन. सो इफ यू चेक इट तो आपको पता चलेगा एस इज हैविंग अ डोंट केयर वैल्यू हियर एज वेल एज हियर, आई मीन डोंट केयर देयर एंड वन हियर. तो आपके पास वन डोंट केयर है, सो दिस इज वन एंड दिस इज डोंट केयर. एंड आर इज हैविंग अ वैल्यू डोंट केयर एट जीरो, इट इज हैविंग वन एट थ्री. तो यानी कि डोंट केयर हियर एंड वन हियर राइट. इन ऑल द अदर लोकेशंस दे आर एज्यूमिंग अ वैल्यू जीरो. By looking at it, you will see that we cannot make these pairs diagonally. हम यहाँ पर ये जो pairs है ये diagonally नहीं बनाते हैं. So if you check it, अगर आप इसको check करेंगे, this is representing T Q N complement, and this is representing your T Q N. तो एक जगह पर हमारे पास T Q N complement है और दूसरी जगह पर आपके पास है T Q N. That means if this is your S R flip flop, this is your S, this is your R, this is your Qn and this is Qn complement. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि when we take T Qn complement, तो यानी कि जो भी इनपुट आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल दिस इनपुट T, तो हम लोग S के अंदर Qn complement के साथ देते हैं. दैट मीन्स आई कैन टेक दिस Qn complement फ्रॉम हियर, आई कैन डू एन एड गेट हियर, आई कैन गिव दिस इन S. और जब हमें R के अंदर देना इनपुट, सो इन केस ऑफ R वी गिव T Qn. तो यानी कि T की वैल्यू को हम लोग लेंगे यहाँ से और इस Qn की वैल्यू को हम लोग यहाँ से लेंगे एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एंड गेट हियर एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव इन आर. सो इन दिस मैनर यू कैन कन्वर्ट एन एस फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप. तो ये हमने जो एग्जांपल है वो यहाँ पर कवर किया है. यू कैन ऑल्सो सी दिस एंटायर प्रोसेस हियर, आप इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पर देख सकते हैं. नाउ दिस इज योर टास्क, जस्ट पॉज अ वीडियो हियर देन कन्वर्ट अ जे के फ्लिप फ्लॉप टू अ टी फ्लिप फ्लॉप. लेट मी शो यू द सॉल्यूशंस. सो दिस इज द सॉल्यूशन वेयर वी हैव दिस इज टी फ्लिप फ्लॉप, सो आई एम गोइंग टू मेक द truth table for T flip flop, then I'm going to make JK flip flop, and then I'm going to make K maps here, and then you can see what should be the input value in J as well as K. उसी तरीके से आप D flip flop को T flip flop में convert कर सकते हैं, and you can see the solutions here. तो आप यहाँ पर जो solution है उसको पूरा देख सकते हैं. You can match your solutions, जो भी आप करेंगे उसको हमारे solution के साथ match करें, then you will be able to easily do it, right? So this is T flip flop to D flip flop. दिस इज जे के फ्लिप फ्लॉप टू एस आर फ्लिप फ्लॉप. यानी कि अगर आपके पास एक जे के फ्लिप फ्लॉप है, आप उस जे के फ्लिप फ्लॉप को दोबारा से एस आर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हाउ कैन वी डू इट, तो आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन को देख सकते हैं. एंड देन हियर डी फ्लिप फ्लॉप टू एस आर फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक डी फ्लिप फ्लॉप है, उस डी फ्लिप फ्लॉप से आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो आप किस तरह का सर्किट बनाएंगे, यू कैन ऑल्सो फिगर इट आउट हियर. ओके, देन यू सी यू जस्ट चेक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर. सो इन डी फ्लिप फ्लॉप वी हैव ओनली वन इनपुट, यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट होता है डी. सो बोथ एस एन आर शुड बी गिवन इन सम कॉम्बिनेशन विद इन वन इनपुट ओनली. तो यहाँ पर एक ही इनपुट के अंदर हमें दोनों एस और आर को देने हैं. इन द सेम वे दिस इज टी फ्लिप फ्लॉप टू एस आर फ्लिप फ्लॉप. तो टी फ्लिप फ्लॉप को एस आर फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू कैन ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ और अपने आंसर्स को यहाँ से मैच करें. यू कैन इजली मैच योर आंसर्स. This is D flip flop to JK flip flop. Again, try to do it, match your answers. This is the conversion. So these are some of the conversions that is for you guys. आप इन सभी conversions को अपनी तरफ से करेंगे and try to make sure that you do it right. अपने answers को यहाँ से ज़रूर match करने की कोशिश करें. Okay? So then the next topic is registers and counters. So जो हमारा next topic रहेगा वो registers और counters रहेगा. So what are registers? If you want to store more than one bits, अगर आप एक से ज़्यादा bits को store करते हैं, then you can use some flip-flops in a cascaded manner. एक flip-flop के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. So then some combination of flip-flops is called as a register. So just read it. A group of flip-flops connected together forms a register. A register is used solely for storing and shifting data in the form of ones and zeros entered from an external source. तो यानी कि जो डेटा है, अगर यहाँ से कुछ हम डेटा इंसर्ट करेंगे, सो वी वांट टू शिफ्ट दिस डेटा फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, टू हियर टू हियर एंड सो ऑन. जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर, आपके पास जो सी प्रोग्रामिंग है, इन अ सी प्रोग्रामिंग वी ऑल्सो हैव अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड वी ऑल्सो हैव अ राइट शिफ्ट ऑपरेटर. जैसे बट वी कैन डू हियर इन सी इफ यू रिमेंबर. तो सी में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इंटीजर ए इज इक्वल टू 3 एंड देन वी कैन हैव इंटीजर बी इज इक्वल टू ए left shift by 2 bits, or you can say integer d is equal to b left right shift by 3 bits. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो left shift और right shift operators हैं. तो ये left shift और right shift का मतलब क्या है,
लेट अस अज्यूम दैट योर इंटीजर इज ऑफ 2 बाइट, आपके पास 2 बाइट का इंटीजर है, दीज आर द 2 बाइट्स, ओके, एंड इन दीज 2 बाइट्स यू हैव द वैल्यू 3, सो 3 विल बी स्टोर्ड समथिंग लाइक दिस. Right, so this is your 3. So when you do a left shift by 2 bits, that means these 2 bits will be lost. All of these bits will be left shifted, and here we are going to have 2 more zeros. वहाँ पर आपके पास 2 और zeros add up हो जाएंगे. So in this manner, you can easily do left shift operator by integers. So आप यहाँ से easily left shift operator कोई perform कर सकते हैं, right shift operators को भी perform कर सकते हैं. So in the same way, sometimes it is also important that in a circuit, you want to shift the data from one location to the other location. यानी कि data को travel करना है आपको एक location से दूसरी location की तरफ, तो उसके लिए भी हम लोग registers का use कर सकते हैं. So again, as I'm saying, some group of registers, some of groups of flip-flop, we call them as registers. And again, we have counters, lot of things are there. तो वो हम सब study करेंगे. Let us go through them step by step. तो अभी हम लोग start करते हैं registers and counters. Okay, so you can see what is a counter. A counter is a register capable of counting the number of clock pulses. So basically counter kya hota hai ki hum log kuch countings ko perform karna chahte hain. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ki agar hume kuch countings ko perform karna hai, for those countings we create counters. तो आपके पास counters काफ़ी तरह के हैं, जैसे you have a mod 3 counter, you can have mod 4 counter, you can have mod 6 counter. So this modulus represents how much it can count. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपको, if I say that we have a mod 4 counter, if I say we have a mod 4 counter, that means your counter can count up to 4. ठीक है, आपका जो counter है वो 4 numbers को count कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो states बनेंगे there will be 4 states. I will explain that to you step by step. हम वो सब चीज़ें step by step करेंगे. Right now, just read the definition here. What is a counter? A counter is a register capable of counting the number of clock pulses arriving at its clock input. The counter represents the number of clock pulses arrived. On arrival of each clock pulse, the counter is incremented by 1. In case of down counter, it is decremented by 1. तो आपके पास दो तरह के काउंटर्स हैं. यू हैव अप काउंटर, यू ऑल्सो हैव डाउन काउंटर. सो इन अप काउंटर वी डू काउंटिंग फ्रॉम इन इंक्रीमेंटेशन फॉर्म, जैसे 0, 1, 2, 3. एंड इफ आई से डाउन काउंटर, दैट मीन्स वी डू काउंटिंग इन डिक्रीमेंटेशन फॉर्म, 3, 2, 1, 0. सो वी कैन हैव अप काउंटर्स एंड वी कैन हैव डाउन काउंटर्स. तो अभी हम जो काउंटर्स का सर्किट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काउंटर्स इन द नेक्स्ट वीडियो. जो नेक्स्ट सेशन है आपका, जो नेक्स्ट वीडियोज़ है, उसमें हम काउंटर्स के साथ स्टार्ट करेंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंक्रोनस सर्किट्स एंड असिंक्रोनस सर्किट्स, उनमें डिफरेंसेस क्या है. तो वो सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टार्ट करेंगे. सो आई होप दिस मच इज एनफ, आपको फ्लिप फ्लॉप्स समझ में आए होंगे. राइट नाउ, इवन इफ यू ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, अभी आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे रिगार्डिंग फ्लिप फ्लॉप्स. यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस वंस यू स्टडी काउंटर्स एंड योर एएसएम. सो काउंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काउंटर्स से आपके काफ़ी चीज़ों का बेसिक्स बनेगा. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू गेट इन योर गेट एग्जामिनेशन आर बेस्ड ऑन काउंटर्स और कैस्केडेड फ्लिप फ्लॉप्स. तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब आपको काफ़ी नई चीज़ें समझ में आएगी. देन यू विल बी अंडरस्टैंड एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो लेट अस ट्राई टू स्टार्ट काउंटर्स इन द नेक्स्ट सेशन.